हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले TYPCOM का क्वेश्चन पेपर पैटर्न सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का। पिछली वीडियो में हमने थियरी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न देखा था जो कि था टोटल 70 मार्क्स का, बट इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है हमारे उसके बारे में हम उसका पेपर पैटर्न देखेंगे 50 मार्क्स का। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ऑडिटिंग, मार्केटिंग 2-3, कॉस्टिंग 2-3। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग 2 और 3 है, सो मैं आपको ऑडिटिंग और मार्केटिंग का पेपर पैटर्न दिखाऊंगी। सो बेसिकली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर टोटल 50 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शन है ए एंड बी, फिलिंग द ब्लैंक्स 5 out of 6 एंड बी इज मैच द फॉलोइंग। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स एनी 2 out of 4, 4 ऑप्शन होंगे उसमें से हमें 2 सॉल्व करने हैं। फिर अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोनों ही कंपलसरी, इसमें टोटल 4 सब क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा उसमें ए है ब्रॉड ऐसे क्वेश्चन ऑन चैप्टर 1 8 मार्क्स के लिए एंड बी ब्रॉड ऐसे क्वेश्चन ऑन चैप्टर 2 7 मार्क्स के लिए। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ए ब्रॉड ऐसे क्वेश्चन ऑन चैप्टर 3 8 मार्क्स का एंड बी ब्रॉड ऐसे क्वेश्चन ऑन चैप्टर 4 7 मार्क्स का। सो फ्रेंड्स, पेपर पैटर्न देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि चारों भी चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक भी चैप्टर हम ऑप्शन के लिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि चारों भी चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आने वाला है फॉर 7 और 8 मार्क्स। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टोटल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न। आई होप आपको ये पेपर पैटर्न समझ आ गया और आप उसी अकॉर्डिंगली स्टडीज़ करोगे। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आई होप यू विल परफॉर्म गुड इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। If you have any doubt, please feel free to write in the comment section. So kindly don't forget to like, subscribe and get notified about my upcoming educational videos. Thanks for watching the video.